Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस सब्जेक्ट आपका यूनिट टेस्ट 4 2020-21 सोल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये टेस्ट पेपर गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर के द्वारा आता वहाँ से आता है। टाइमिंग आपका 45 मिनट का दिया रहता है एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे 25 होते हैं। इंग्लिश मीडियम का पेपर है, सब्जेक्ट आपका साइंस है। ओके स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो अभी तक, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम यहाँ पे। जैसा कि देखो, आपको टोटल यहाँ पे सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शंस आएंगे, सभी में अलग अलग मार्क्स दिए रहते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इस तरह से आपका पेपर दिखता है। कुछ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए में। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का दिया गया है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 by 1 हम सोल्व करते हैं। तो सेक्शन ए में आपको बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, जैसा भी आपको बोला गया है उस हिसाब से आंसर देना है। ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन, जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से उसको आपको करेक्ट यहाँ पे चूज करना है। जैसा कि यहाँ पे दिए गए एडिंग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब रिजल्ट टू, अगर आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में एसिड सॉल्यूशन डालते हैं एंड बेस दोनों को मिक्स करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पे, द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, सेकंड बोला गया द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेंस द सेम, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज सीन। देखो, आपको पता है अगर हम एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट तो मिलता है। दैट मीन्स आपका 4th वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कन्फर्म हो गया। और देखते हैं, जब हम एसिड बेस के बीच रिएक्शन कराते हैं तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो भी वहाँ पे इंक्रीज होता है। मीन्स आपका 2 ऑप्शन आया, 1 and 4th वाला। तो अल्टरनेटिव्स करके आपको नीचे दिए गए हैं, आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इस तरह इधर देख सकते हो आप, यहाँ पे ए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। अब ए में आपको बोला गया ओनली फर्स्ट करेक्ट, जो फर्स्ट नंबर लिखा गया टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, ओनली 1 करेक्ट। तो नहीं, गलत, ये रॉन्ग है आपका, क्योंकि अभी हमने देखा 1 and 4th दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ऐसा कहाँ पे दिख रहा है आपको, डी में। तो डी में देखो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट, दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे आपका क्या आएगा, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पेशेंट फॉर एन इंसुलेशन इंजेक्शन एज, अब एक डॉक्टर का क्या करता है यहाँ पे, पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन एडवाइस करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए। तो उसको क्या हुआ होगा, हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ होगा, हिज हार्ट बीट आर लो, उसकी हार्ट बीट लो हुई होगी, ही वाज डिटेक्टेड विथ गोइटर, या फिर उसको गोइटर हुआ होगा, इसके लिए उन्होंने बोला एडवाइस किया, या अदरवाइज डी ऑप्शन, ही वॉज डिटेक्टेड विथ हाई शुगर लेवल इन ब्लड, या फिर उनको डिटेक्ट किया गया, मतलब उनको ब्लड में जो है शुगर लेवल हाई हो गया, इसके लिए डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए कहा। तो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे डी, अगर किसी पेशेंट का शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड में तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे आएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है, ड्रॉ अ फिगर शोइंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एट एन एंगल एंटरिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, आपको एक फिगर बनाना है जिस फिगर में आपको यहाँ पे एयर मीडियम में से वाटर मीडियम में किसी लाइट रे को एंटर कराना है, तो कैसे फॉर्म होगा। तो आंसर देखो, आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे आपको देखो ऐसे डैश डैश करके मैंने वाटर मीडियम ड्रॉ किया है एंड उसके ऊपर मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट कराया है एंड उनके बीच एंगल फॉर्म हुआ, आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट कॉज्ड इफ ऑल द ग्रीनरी ऑन द अर्थ गेट्स एक्सटिंक्ट, मतलब देखो क्या इफेक्ट होगा अगर हमारे पूरे अर्थ पे से ग्रीनरी हट जाए, लुप्त हो जाए, तो क्या होगा इफेक्ट आएगा इसका। आंसर होगा आपका, इफ ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर लॉस्ट फ्रॉम अर्थ
there is no oxygen and all living organisms will be died. That means अगर हमारे यहाँ अर्थ पे से सभी ग्रीन प्लांट खत्म हो जाए, लॉस्ट हो जाए, देन वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचेगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा, दैट्स वाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी डाइड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, सेक्शन ए यहाँ पे आप इसी के साथ कंप्लीट होता है, 4 मार्क्स का था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन हम सेक्शन बी आपका। सेक्शन बी में बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज आस्क्ड, जैसा कि इसमें पूछा गया उस हिसाब से हमें इसमें आंसर देना है। ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 2 मार्क्स के हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो हम अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में दिए गए हैं। वन बाय वन इसका हम आंसर देखते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, दैट मीन्स आपको डिफरेंस लिखना है कॉन्वेक्स लेंस का एंड कॉनकेव लेंस का। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे इस तरह से, आपको डिफरेंस लिखना है। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स इट इज अ थिक एट द सेंटर एंड थिन एट अ एज, आपको यहाँ पे लिखना है इट इज अ थिक एट अ सेंटर एंड थिन एट अ एज। इसका जो सेंटर में जो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस वो थिक होते हैं, चौड़े मोटे होते हैं, एंड जो यहाँ पे एज पे बाहर के पार्ट जो होता है उनका एज कॉर्नर वाला, मतलब दैट मीन्स आउटसाइड वाला जो पार्ट होता है वो आपका यहाँ पे थिन होता है, पतला होता है। इन कॉनकेव लेंस इट इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एज, ये इसका उल्टा होता है कॉन्वेक्स का कॉनकेव। अब यहाँ पे जो सेंटर पार्ट होता है वो उसका थिन होता है, एंड जो एज वाला पार्ट होता है वो वहाँ पे थिक होता है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे इट कन्वर्जेस पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इट, एक कन्वर्ज करता है पैरेलल रे को, और जो कॉनकेव लेंस है वो इसको डाइवर्ज करता है, जो भी पैरेलल रेज आती हैं इट डाइवर्ज पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इट। कॉन्वेक्स लेंस में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट फॉर्म्स आर रियल और वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कॉन्वेक्स लेंस है ये रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जेक्ट के पोजिशन पे। एंड कॉन्केव लेंस इट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा के हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। कॉन्वेक्स लेंस में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे फोर्थ पॉइंट अब द वर्चुअल इमेज ऑब्टेन विथ इट इज ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज इन लार्ज, मान लो जो भी वर्चुअल इमेज मिलती है यहाँ पे वो हमेशा के हमेशा बड़ी मिलती है, इन लार्ज मिलती है। बट इन कॉन्केव लेंस में द वर्चुअल इमेज ऑब्टेन विथ इट ऑलवेज डिमनिश, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटी मिलती हैं जो वर्चुअल इमेजेस यहाँ पे ऑप्टेन होती है। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है गिव इस साइंटिफिक रीजन, क्वेश्चन नंबर 6 ए का क्या है साइंटिफिक रीजन, तो देखते हैं क्या दिया गया है साइंटिफिक रीजन में। हमें पूछा गया है कर्ड एंड साइट्रस फूड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर और ब्रास वेसल्स, दैट मीन्स कर्ड जो होता है या फिर साइट्रस मतलब खट्टे वाले जो फूड होते हैं उनको हमें कॉपर या फिर ब्रास के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों, अब इसका रीजन हमें बताना है साइंटिफिक रीजन। तो आंसर आएगा कर्ड एंड साइट्रस फूड आर एसिडिक इन नेचर, जो कर्ड होते हैं या फिर खट्टे वाले फूड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, विच रिएक्ट विथ ब्रास एंड कॉपर वेसल, जो रिएक्ट करते हैं ब्रास से एंड कॉपर के बर्तन के साथ, एंड फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंस, और क्या करते हैं वो जहरीले सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, जो क्या है अगर कोई टॉक्सिक मतलब जहरीला सब्सटेंस उससे फॉर्म होता है एंड दैट इज अ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, दैट्स वाई देयरफॉर कर्ड एंड साइट्रस फूड शुड नॉट बी कैप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। इसलिए हम क्या करते हैं जो भी कर्ड होता है दही या फिर हम साइट्रस फूड खट्टे फूड को कभी भी हम ब्रास या फिर कॉपर के बर्तन में नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पे ए कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बी में आपसे पूछा गया था विच इज न्यूट्रिलाइजेशन एंड एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स, आपको न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल देके, वाट इज भी हो सकता है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन। अगर क्या कर रहे हैं एसिड और बीच के एसिड एंड बेस के बीच रिएक्शन हो रहा है, एंड उन जब भी एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है,
एंड इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन्स एसिड के साथ आपने बेस का रिएक्शन कराया, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नीचे लिखा हुआ जैसे एसिड प्लस बेस गिव्स टू सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम। एग्जाम्पल्स में आपका आएगा कोई भी आप एक एसिड ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे HCl लिया प्लस NaOH, NaOH तुम्हारा बेस है एंड एसिड आपका HCl है। यहाँ पे इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, NaCl फॉर्म हुआ, NaCl आपका सोल्ट है एंड H2O आपका वाटर है। सेकंड एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, H2SO4 प्लस KOH इज इक्वल टू K2SO4 एंड H2O। तो यहाँ पे आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, तो देखो यहाँ पे 2K है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना KOH के पास। अब यहाँ पे दो है, अब आप यहाँ पे आपके क्या आ गए 2K हो गए एंड O आपके देखो 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 और यहाँ पे 4 एंड 5। तो यहाँ पे H2O के पास 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इस तरह से आपका ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करना आता है, आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कोरोजन, आप कोरोजन से क्या समझते हो एंड राइट एनी 2 मेथड टू रिड्यूस कोरोजन ऑफ आयरन। आपको यहाँ पे कोई 2 मेथड बताना है जिससे क्या हो, कोरोजन ऑफ आयरन रिड्यूस हो सके। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज अ कोरोजन। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेटल हो वो क्या हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको क्या हुआ, एयर के संपर्क में आने पर, मॉइस्चर होने पर या फिर केमिकल द्वारा उससे क्या हो, खत्म होने लगे धीरे धीरे मेटल्स हो, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कोरोजन। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इट इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग। ये क्या है, एक सिंपल हम बोलें तो क्या हो, उस मेटल को खत्म करना, मतलब ईटिंग अवे मतलब खाना। और अगर हम बात करें यहाँ पे आयरन की बात करें तो इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड एज अ रस्टिंग, हम इसको रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना, इन अ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में। यहाँ पे अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ दिस कोरोजन। ओके, प्रिवेंशन देखें, वी कैन प्रिवेंट कोरोजन बाय बिलो प्रोसेस। कोई भी 2 प्रोसेस आपसे बोला गया था, यहाँ मैं आपको 5 प्रोसेस लिख दे रहा हूँ, आप कोई भी 2 प्रोसेस यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रिवेंट कोरोजन बाय पेंटिंग ऑफ द मेटल सर्फेस। अगर हम जो मेटल होता है उसके सर्फेस को पेंट कर दें देन वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोरोजन। नाउ लुब्रिकेटिंग मतलब ग्रीस या ऑयल, उस हम सर्फेस में मेटल के सर्फेस पे या तो ग्रीस लगा दें, ऑयल लगाते मतलब लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। सेकंड गैल्वेनाइजेशन के कर सकते हैं हम। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील आर्टिकल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। तो हमारा जो सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास आयरन का कोई भी यहाँ पे है सरफेस, उस आयरन पे हम यहाँ पे जिंक का प्रोटेक्टिंग कोटिंग अप्लाई करेंगे, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। फोर्थ आप यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिफ्थ नंबर है आपका एलोइंग मतलब कुछ मिक्स करके, दूसरे उसके साथ मेटल को मिक्स करके आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर आपका 8, राइट ओम्स लॉ एंड अल्सो स्टेट इट्स एसआई यूनिट। ओनली आपको ओम्स लॉ राइट करना है एंड उसके एसआई यूनिट्स आपको वहां पे बताने हैं, दूसरा कुछ नहीं, पूरा का पूरा ओम्स लॉ यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स में है, ओनली ओम्स लॉ राइट करो एंड उसका यूनिट राइट करो। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे ओम्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। तो यहाँ पे आप मेटल वायर लिखोगे, मेटली लिखा हुआ है, मेटल वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन रिमेंस द सेम। ये क्या है तुम्हारा, इनका स्टेटमेंट है ओम्स लॉ को, तो यहाँ पे आप मेटल लिख देना इस तरह से। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि ओम्स लॉ ने क्या बोला था, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है कोई भी एंड, मान लो उस जो भी तुम्हारे पास मेटल है उनके 2 एंड के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे करंट के,
तो करंट तो वी प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पे आई होता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी के वहाँ पे साइन रिमूव करते हैं, तो आर हमारा कांस्टेंट वहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। दैट्स वाई अगर हम आर इज इक्वल टू लिखे तो वी बाई आर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप ओम्स लॉ देखना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेंथ साइंस का, वहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा ओम्स लॉ अच्छे से देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसमें। नेक्स्ट हम इसका एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अगर आप पूरा का पूरा ओम्स लॉ देखना चाहते हैं पूरा डिटेल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी को देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, आपको आंसर यहाँ पे देना है जो भी नीचे क्वेश्चन दिए गए। ईच क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स, सभी क्वेश्चन जो है थ्री थ्री मार्क्स के क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर 9, 10 and 11 थ्री क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, आपको यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को पूरा का पूरा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कुछ इसका आंसर, द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स आर नॉट वेरी प्योर, हेंस इट इसेंशियल टू प्योरीफाई द मेटल। देखो जो भी आप ओर्स में से मेटल को ऑब्टेन करते हो, निकालते हो, दे आर नॉट वेरी प्योर, बहुत ही ज़्यादा वो प्योर नहीं होते, थोड़े ही होते हैं। That's why, hence, और इसलिए इसकी जरूरत होती है उस मेटल को हमें प्यूरिफाई करने की। नेक्स्ट लिखोगे आप इसमें, द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग एम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो अब जो कोई भी मेटल को यहाँ पे इम्प्योर में से प्योर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उस मेटल को प्योर बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। इस तरह से आप इसमें फिगर ड्रॉ करोगे। ओके यहाँ पे आपको इस तरह से डोनोट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैथोड दिया गया है एंड राइट हैंड साइड में आपको एनोड दिया गया है, दो आप यहाँ पे एनोड लगाओ, ऊपर आपको इस तरह से बैटरी दिए गए हैं, इस तरह से आप इसका फिगर बना लोगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखना है हमें। अब यहाँ पे देखो, मेटल सच एज कॉपर जिंक टिन निकल सिल्वर एंड गोल्ड आर रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। मेटल जैसे कि यहाँ पे आएगा कॉपर हुए, जिंक हुए, या फिर टिन हुए, या फिर जो भी यहाँ पे जितना भी मेटल का नाम दिया गया है, इन सभी को अगर हमें यहाँ पे रिफाइंड करना हो, ठीक है, तो किसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे, आगे आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रोसेस लिख देना प्राइस की जगह। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड एंड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। देखो इस प्रोसेस में जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो हमारा प्योर मेटल होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो भी मेटल सॉल्ट होता है उसका हम सोल्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फ्लो कर सके। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इन टू इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जैसे ही आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो इलेक्ट्रोलाइट में, तो जो प्योर मेटल होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इन टू इलेक्ट्रोलाइट, एनोड में से जो प्योर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट में जाकर डिजोल्व हो जाएगा जो भी आपने सोल्यूशन लिया है। देन एन इक्वावेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इक्वल इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड। और देखो एक इक्वावेलेंट मतलब सफिशियंट अमाउंट में जो प्योर मेटल होता है इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हुआ होता है, एनोड से जाके वो किसमें चिपक जाता है, यहाँ पे कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एनोड पे अगर आपका इम्प्योर मेटल है, कॉपर का ही हम एग्जाम्पल लेना है, तो Cu आपका सॉलिड में है, ये क्या हुआ, जैसे ही आपने उस सॉल्यूशन में डाला तो Cu+2 and 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरह से +2 चार्ज हो गया। एंड एनोड पे आपका क्या, कैथोड पे क्या था, वो पहले से ही चार्ज था, Cu+2 चार्ज एंड 2 इलेक्ट्रॉन था, वो आपका Cu मतलब प्योर, कैथोड पे जाके जब चिपका तो इस तरह से था, वो पहले देखो एनोड से आपका कहाँ पे गया, पहले एनोड पे था, ये सॉलिड में था, जैसे ही सॉल्यूशन में डाला तो इस तरह से बन गया, अभी सॉल्यूशन में है, सॉल्यूशन में जाने के बाद कहाँ पे चला गया, कैथोड पे जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया एंड
प्योर, यहाँ पे इस तरह से प्योर फॉर्म हो गया। तो टोटल इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेट रिएक्शन इज इक्वल टू सी यू, मतलब यहाँ पे आपका आएगा कॉपर प्योर इम्प्योर से प्योर, यहाँ पे आपका लिखना, आपको लिखना है इम्प्योर, ये जो लिखा है यहाँ पे आप लिखोगे इम्प्योर, तो कॉपर आपका इम्प्योर में से यहाँ पे इस तरह से प्योर में कन्वर्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये हुआ। आगे नेक्स्ट हम यहाँ पे एक टॉपिक और एक पॉइंट और लिखेंगे, द सोल्यूशन इम्प्योरिटीज पास इन टू द सोल्यूशन वाइल द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सच एज गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आर सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर कॉल्ड एनोड मड। देखो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं जब पास करते हैं हम सोल्यूशन में, तो जब अब उसमें क्या होंगे, कुछ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि गोल्ड हुए, सिल्वर हुए, प्लेटिनम हुए, वो सभी के सभी क्या होती हैं वहाँ पे नीचे जाके चिप बैठ जाती हैं, ठीक है, किसके एनोड के बॉटम में नीचे साइड, एंड इसी को हम बोलते हैं एनोड मड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, डिराइव लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज सो एज टू एक्सप्लेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। आपको यहाँ पे दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है एंड उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इस पे मैं आपको यहाँ पे मैंने वीडियो बना के रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके स्टैंडर्ड 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, और मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, अगर आपको और अच्छे से समझना है पूरा का पूरा डायग्राम के साथ अच्छे से, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका भी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको आंसर। सबसे पहले देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो रजिस्टर को हम यहाँ पे एंड टू एंड यहाँ पे कनेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सीरीज रजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे फिगर आई थिंक मैं नहीं बनाया हूँ, अगर आपको फिगर के साथ पूरा का पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस क्वेश्चन को आंसर वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका हम डायरेक्ट आंसर देखें, जब वहाँ पे आपने फिगर बनाया, ठीक है, उस तरह से फिगर बना लेना जब आप वहाँ पे देख के दूसरा वीडियो। इन द सीरीज द करंट रिमेंस कॉन्स्टेंट, सीरीज में अगर जब आप वो करते हो तो यहाँ पे रुको मैं बना ही देता हूँ आपके लिए एक, पर परमानेंट नहीं रहेगा। इस तरह से हमें क्या करना है, वायर लेना है, ये हमारा वायर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कनेक्ट कर देंगे, इसे रजिस्टेंस तीन रजिस्टर्स ले लेते हैं, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें बैटरी लगा देना है, ओके, यहाँ पे हम की लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये मैं यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए एमीटर लगा देता हूँ इधर, आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर होगा, टोटल इन दोनों के बीच आप देखो यहाँ पे आपका करंट इस तरह से फ्लो होगा आई, और इस तरह से जाएगा। और अच्छे से आप वीडियो का अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं फिगर के साथ, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख लेना। आगे देखते हैं हम इसमें, इन द सीरीज द करंट रिमेंस कॉन्स्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो करंट होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस उसका चेंज होते रहता है। आगे क्या लिखोगे, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टेंस। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहाँ पर अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, वो इक्वल होता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जितने भी आपने यहाँ पे रजिस्टर्स लगाया था R1, R2, R3 ऐसे ऐसे करके आपने रजिस्टेंस लगाया था, तो टोटल R इज इक्वल टू इन सब का क्या होता है ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच का जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V ए इसका और V1 ए इसका V2 ए वी, तो V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से आपका होता है। नेक्स्ट आपका इस तरह से लिखोगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे आप लिखोगे लेट I बी द करंट थ्रू द सर्किट, तो हम इसको I को क्या बोल लेते हैं यहाँ पे करंट पूरे सर्किट में जो फ्लो हो रहा है, देन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज अल्सो आई, जो सभी बाकी के सर्किटों में जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है जब वहाँ पे उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे आई रजिस्टर में, सॉरी। नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ, अब हम इस सर्किट में पूरे सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता था, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आएगा V इक्वल टू आई आर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हम बाकी के रजिस्टर में भी अप्लाई करते हैं, जो भी रजिस्टर हैं यहाँ पे
सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हम लिखते हैं। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द थ्री रजिस्टर्स सेपरेटली वी गेट, अलग अलग हम यहाँ पे सेपरेट अप्लाई करेंगे, तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। इसको हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 3। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, आप इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या फाइंड किए, V इज इक्वल टू IA इस तरह से था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे हमें 3 की वैल्यू रख देना, देखो V1 की वैल्यू वहाँ ऊपर से इक्वेशन नंबर 3 में से, V2 की वैल्यू एंड V3 की वैल्यू इसमें पुट करते जाना है, और V की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे। तो V इक्वल टू IR था, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3 हमने राइट कर दिया। I को कॉमन ले लिया इस तरह से, इसमें ब्रैकेट के बाहर इधर आ गया, I से I हमने काट दिया तो हमको मिला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ इसी को R को हम बोलते हैं RS, दैट मीन्स रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे S लगा देते हैं, S किसका यहाँ पे डेनोशन होता है, सीरीज का, तो ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में हमें यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे इस तरह से, वी कैन कंक्लूड दैट द That when several resistance are joined in series, the resistance of series combination RS equal to the sum of their individual resistance R1, R2 and R3 and thus is thus greater than any individual resistance. तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट होता है। अगर आप इस पूरे रजिस्टर वाले मतलब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को और अच्छे से देखते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, ओके ये आपका सेक्शन है, लास्ट सेक्शन आपका यहाँ पे इस, ओके इसका क्वेश्चन अभी बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, स्टेट वेरियस यहाँ मेथड बाय विच, आराम से विच एनर्जी इज ऑप्टेन फ्रॉम द सी। आपको देखो अलग अलग यहाँ पे मेथड बताने हैं जहाँ से एनर्जी क्या होती है ऑप्टेन, ओके एनर्जी यूज ऑप्टेन इक्वावेलेंट फ्रॉम सी एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड। देखो स्टेट वेरियर मेथड बाई विच एनर्जी इज ऑप्टेन इक्वावेलेंट फ्रॉम द सी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल एनी वन ऑफ देम। देखो जो भी अलग अलग मेथड्स होते हैं यहाँ पे सी से यहाँ पे एनर्जी ऑप्टेन करने के लिए, वो हमें एक्सप्लेन बताना है कौन कौन से होते हैं एंड कोई एक को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर आएगा आपका, मेथड्स बाय विच एनर्जी इज ऑप्टेन इक्वावेलेंट फ्रॉम द सी इज गिवन बिलो। फर्स्ट आपका है टाइडल एनर्जी, सेकेंड है आपका यहाँ पे वेव एनर्जी एंड थर्ड वन इज योर यहाँ पे ओशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी में आपका आएगा द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स मेनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ। जो यहाँ पे देखो सी का जो वाटर लेवल होता है वो क्या होता है, राइज होता है, कभी फॉल होता है, बट किसकी वजह से, यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से, ठीक है, ऑन द स्पिनिंग अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप इसमें, द फिनोमिना ऑफ चेंजेस द सी लेवल इज कॉल्ड द हाई एंड लो टाइड्स। अब जो ये चेंजेस होता है यहाँ पे सी के लेवल में, कभी हाई होता है कभी लो होता है, इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, टाइड्स होता है। द डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स टाइडल एनर्जी विच इज हंस्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी, अ टर्बाइन फिक्स्ड एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। देखो अब जो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे, डिफरेंस इन द सी लेवल जो कभी हाई होता है कभी लो होता है, जिससे यहाँ पे टाइडल एनर्जी फॉर्म होती है, एंड इसको हम कैसे रोक सकते हैं यहाँ पे वो कर से इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस पर एक हम डैम, एक नैरो पतला सा डैम जिसका ओपनिंग कहाँ हो, सी के साइड हो, एंड उस पर हम एक टर्बाइन फिक्स कर देंगे ओपनिंग द एट द ओपनिंग ऑफ डैम, डैम के ओपनिंग में, एंड वो जो टाइडल एनर्जी हो वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी में आपके लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन डी का लास्ट, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कर्नल
एंड लेबल द फॉलोइंग ग्लैंड्स फॉलोइंग फिगर। ये दो क्वेश्चन है। 12 में फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का लेबल डायग्राम। तो इस तरह से आपका फिगर है। यहाँ पे आपका दिख रहा है टंक, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये क्या है? आपके एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं। तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका हम भी देखते हैं, 12 का भी। लेबल द फॉलोइंग ग्लैंड शोन इन द फिगर। आपको इस फिगर में जो भी दिख रहा है वहाँ पे आपको ग्लैंड्स राइट करने हैं। तो देखो ए में आपका क्या आएगा, ए में आपको आएगा पीनियल ग्लैंड। क्या आएगा? पीनियल ग्लैंड। बी में आप राइट करोगे आप यहाँ पे पिच्योत्री ग्लैंड। यहाँ पे जो होता है पिच्योत्री ग्लैंड होता है जहाँ पे एरो किया गया। थर्ड आप देखोगे गले के पास, तो गले के पास आपका थायरॉइड ग्लैंड आता है, तो आप यहाँ पे सी में लिखोगे थायरॉइड ग्लैंड। अब देखो जो सीने के जस्ट गले से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहाँ पे कौन सा ग्लैंड आता है? आपका थाइमस ग्लैंड आता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका ये स्टैंडर्ड 10th का साइंस यूनिट टेस्ट 4 कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।